हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं या हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। तो 4.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपको इंट्रोडक्शन यहाँ चाहिए वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज में हमने देखा था जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तब आपको देखना है कि इस लीनियर इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है। जैसे एक्स प्लस टू हो गया या टू एक्स प्लस फाइव हो गया, तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ए एक्स वेरिएबल को एक तरफ रखना, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देना। तो प्लस बी इधर आके माइनस का बी हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ए मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। तो यही हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि एक्स की जगह पे माइनस बी बाई ए अगर आप पुट कर दोगे तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाएगा। लेफ्ट में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट में जीरो तो लेफ्ट में जीरो हो जाएगा। बट ये तो वन वेरिएबल के अंदर है, बट टू वेरिएबल है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो दो टर्म है, मैं सी को उधर ले जाती हूँ तो भी ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्स के लिए और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद आता है कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको ऑप्शन में वहां पे आ सकता है वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन के लिए जहां वन वेरिएबल है आपको याद रखना है कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पेयरिंग में सॉल्यूशन आएगा। एक आंसर आपका एक्स के लिए आएगा, दूसरा आंसर आपका वाई के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हो। यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स की जगह हमने माइनस बी बाई ए रखा, देखो आप पुट करके देखो, ए एक्स की जगह हमने रखा माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या आता है, हमने लेफ्ट लेफ्ट लिया यहाँ पे, तो देखो इक्वल में जीरो आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी बच गया। तो जैसे वन माइनस वन जीरो, जैसे माइनस बी प्लस बी जीरो, यानी कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। हमने लेफ्ट में वैल्यू पुट किया और राइट की हमारे इक्वल आ गई। बट इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि आपको x एंड y दोनों के ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो अब एक कोई इक्वेशन लेते हैं, तो इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कितने सॉल्यूशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो लेट द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल 12 भी लिख सकते हो, और 12 को हम इधर लेकर आए तो माइनस 12 भी लिख सकते हैं। बट हम यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट लेकर आ रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x और y की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि लेफ्ट इक्वल टू आपका राइट हो। तो अभी तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, यानी कि आप रैंडम यहाँ पे क्या करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, फिर उसको सॉल्व करो, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे एक वन बाय वन वैल्यू पुट करते हैं। मैं x इक्वल टू 3 पुट करती हूँ एंड y इक्वल टू 2 पुट करती हूँ। रैंडम मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले रही हूँ कि लेट मैंने x इक्वल टू 3 लिया, y इक्वल टू 2 लिया, तो ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, 2x की जगह 3 रखा, फिर 3y की जगह मैंने 2 रखा, उसको सॉल्व किया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 यहाँ भी 6 हो गया, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, RHS हो गया। मतलब कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो हमेशा सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं इस तरह से। ऑर्डर पेयर में यानी कि x का वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे, y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखेंगे। यानी इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हमने इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखना है। अब सेम हम यहाँ पे एक दो वैल्यू और ले लेते हैं, और रैंडम कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे लेती हूँ। लेट कि मैं x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखती हूँ और y इक्वल टू मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ। अब आप यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखा, 0
प्लस 3 इंटू वाई की जगह मैंने 4 रखा, तो ये देखो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया, 0 प्लस 12 आपका 12 हो गया और ये हमारा यहाँ पे RHS हो गया। तो ये भी एक सोल्यूशन है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 भी इसका क्या है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है। तो इसी तरह से रैंडम आप बहुत सारी वैल्यू पुट करते रहो, जैसे मैं एक और यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ, लेट कि मैं x इक्वल टू मैंने 1 लिया और y इक्वल टू मैंने 4 लिया, फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इसमें पुट कर लो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 हो गया, तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया, तो 12 प्लस 2 तो हमारा 14 आ रहा है, जो कि हमारा इज नॉट इक्वल टू 12, यानी कि वो हमारा यहाँ पे RHS नहीं है, RHS तो हमारा 12 था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या हुआ, तो 0-4 तो हमारा सोल्यूशन आ रहा है लेकिन 1-4 हमारा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप माइनस 12 को उधर ले जाकर के और इक्वल 0 लेकर आओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह की फॉर्म में लिख के, तब भी आपका राइट है। तो आप ऐसे करके बहुत सारी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू से पुट करके देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 2, ये दो हमारे सोल्यूशन आ रहे, और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे लेकर आना है, मैं y की जगह पे 0 रख दूं और x की जगह पे 6 रख दूं, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 12 इक्वल टू 12 हो गया यहाँ पे, तो मेरा एक सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मिल गया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो ऐसे रैंडम आप बहुत से नंबर यहाँ पुट कर सकते हो और उनके इस तरह से ऑर्डर बना के लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन का तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहे हो, खुद से पुट कर रहे हो। यहाँ पे एक्स की आप इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो, वाई की आप इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने रैंडम लिया, लेकिन जब हमें इस तरह को सॉल्व करना है, हम बार बार ऐसे रैंडम थोड़ी ना पुट करेंगे कि एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट लिया, तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है आप किसी एक वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो, तो आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये है या नहीं है, वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो वो किस तरह से, आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इक्वेशन को आप क्या करो, पहले एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो, तो ये मेरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। जब हम ग्राफ सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, जो जो वैल्यू प्लॉट करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करोगे, पहले इक्वेशन में लेफ्ट में एक वेरिएबल ले लो, बाकी सारा राइट में शिफ्ट कर दो, तो 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ x, उसका कॉफिशियंट भी क्या रख लो, 1 रख लो, तो ये हो गया 12 माइनस 3y, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे आ गया डिवाइड में। अब आप यहाँ पे क्या करो, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि x इक्वल में है तो y की जगह वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुट किया, फर्स्ट कंडीशन में y इक्वल टू 1 पुट किया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 1 3 बाय 2, तो 12 माइनस 3 आपका यहाँ पे हो गया 9 बाय 2, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 4.5, यानी एक सोल्यूशन हो गया 1.4.5 हो गया। फिर मैं यहाँ पे दूसरा लेती हूँ, मैंने y इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर लिया, तो y इक्वल टू 0 पुट करने पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, 12 माइनस 0 भी यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, तो 12 बाय 2 यानी कि 6 आ गया, तो मेरा यहाँ पे, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, 4.5 y 1 हो गया, फिर यहाँ पे y 6, x आपका 6 आ रहा है, y आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। अब आप यहाँ पे चाहे नेगेटिव में वैल्यू पुट कर लो, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू यहाँ पे पुट किया, y इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की जगह माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 12 प्लस 3 आपका यहाँ पे हो गया 15 बाय 2। ओके, यहाँ से यहाँ पे देखो 12 माइनस 3 और ये माइनस 1 बाय 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो 3 इंटू 1 3, 12 प्लस 3 15 बाय 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 7.5, यानी कि x की वैल्यू 7.5 हो गई, y की वैल्यू माइनस 1 हो गई। तो इसी तरह से आपको जो समझ में आता है, आप रैंडमली एक, पहले आप इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में आप लिख लो, तो जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू ये यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, y की फॉर्म में इक्वेशन है, अब आप यहाँ पे रैंडम y की वैल्यू पुट करते रहो, चाहे आप चाहो तो इसको हम y इक्वल करके भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे
इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। y की जगह मैंने -1, -2, -3 यानी पॉजिटिव में भी हम 0 तक जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेगेटिव में भी इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ओनली सिंगल सॉल्यूशन होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों में से दोनों वेरिएबल की जगह पे इनफाइनाइट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ओके, तो फाइनल आंसर हमने लिख दिया, सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई एंड नहीं है, बहुत सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू। तो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और जबकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ईच लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया, तो इसको अगर आपने देख लिया तो आप अच्छे से एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।